नमस्कार द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। बरेली में 7 मई को होगा चुनाव। आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बरेली में 7 मई को चुनाव होंगे। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने रोड पर लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटवाए। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी गुले सुशील चंद्रमा ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट में मीटिंग करी, उन्हें आचार संहिता से जुड़ी जानकारियां दी। फिर डीएम और एसएसपी ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान साफ कर दिया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि बरेली में 23,46,000 से ज्यादा वोटर लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। 7 मई को मतदान होगा। देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया महोदय ने आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में अनाउंसमेंट किया और उसके साथ जनपद बरेली में आगे आने वाले चुनाव की समय सारणी तय हो गई है। जनपद बरेली में 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। बरेली लोकसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से आता है और आमला और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र आंशिक रूप से आता है। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र का बहेरी विधानसभा क्षेत्र, उसमें 20 मार्च से नॉमिनेशन चालू होगा और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जो हमारा बरेली और आमला लोकसभा क्षेत्र है उसमें 12 अप्रैल से नामांकन चालू होगा और 7 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को काउंटिंग की कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार अब तक जो भी एक्सपेक्टेड तैयारियां हैं सारी पूरी हो गई हैं। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के साथ भी यहां मीटिंग कर ली है। आगे नामांकन संबंधी और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं लगभग पूरी हैं। निर्वाचन आयोग का विशेष ध्यान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, चुनाव में व्यय को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित करवाना और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, ग्रीवांसेज आते हैं, उसका ससमय निस्तारण के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उस संबंधी सारी टीमें बना ली गई हैं। हम लोग रेडी हैं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराते हुए निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए। मैं आपको 2 जानकारी देना चाहता हूं कि यहां नामांकन कलेक्ट्रेट से होगा, आमला और बरेली दोनों लोकसभा क्षेत्र का, और पार्टी की रवानगी, फिर वापसी और जो मतगणना की कार्रवाई है वो परसा खेरा स्थित यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन के स्थल से होगा। बाकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। आगे भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। एज ए DEO मैं आपको यही भरोसा दिलाते हुए लोगों से अपील करता हूं कि हम निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाएंगे और वोटर से ये अपील करता हूं कि 100% संख्या में अपने अपने बूथ पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मौलाना समेत दंगे के अन्य आरोपियों को नहीं मिली राहत। IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान समेत अन्य आरोपियों को बरेली के चर्चित दंगे से जुड़े मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। जिला जज ने केस ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई के बाद 18 मार्च की तारीख लगा दी है। ये अर्जी दंगे के आरोपी शाहरुख की तरफ से दाखिल की गई है। इसमें कई वजह बताते हुए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत से मामला हस्तांतरित करने की मांग की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष कुमार ने बरेली आकर बहस करी। जिला जज ने तमाम दलीलें सुनने के बाद अगली तारीख लगा दी है। दंगे से जुड़े मामले में मौलाना तौकीर रजा को मुख्य मास्टरमाइंड मानते हुए उनका गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस बार इसका तामीला बरेली के SSP गुले सुशील चंद्रमान को कराना है। मौलाना बरेली में नहीं है, यहाँ मोहल्ला सौदागरान स्थित उनके आवास पर ताला लगा है। पुलिस NBW के मद्देनजर उनकी तलाश कर रही है। उन्हें 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाना है। यह भी कहा जा रहा है कि मौलाना ने हाईकोर्ट का रुख किया है लेकिन वहां से अभी भी कोई भी राहत भरी खबर नहीं है। ऐसे में इस मामले को लेकर 18 मार्च को केस ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई और उसके बाद 19 मार्च को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीख बेहद अहम हो गई है। हिंदू युवती को फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर बनाया मुस्लिम। नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिजौलिया निवासी शिव सागर, जो बजरंग दल के प्रखंड संयोजक हैं, उन्होंने हाफिजगंज थाने में गांव लाडपुर उस्मानपुर निवासी इम्तियाज अंसारी, प्रधान नरगिस खातून और उनके पति तस्लीम पर धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इम्तियाज कुछ दिन पहले दिल्ली से एक हिंदू समुदाय की युवती को भगा कर ले आया था, फिर प्रधान और उसके पति से साठगांठ कर लड़की का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसमें लड़की का नाम कुमकुम बानो और धर्म मुस्लिम दर्ज करा दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।
नाली की छींटे घर पर गिरने पर भिड़े दो पक्ष मारपीट। कैंट निवासी शिखा पारासिरी शनिवार को परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची। बताया कि उनका भाई ऑटो चालक है। 13 मार्च की शाम वह ऑटो में माँ और बहन के साथ अस्पताल जा रहे थे, तभी उनके ऑटो का पहिया योगेश के घर के सामने वाली नाली में चला गया। इसे योगेश के घर के दीवार पर नाली की छींटे चली गई। आरोप है कि इसे लेकर योगेश पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर उन लोगों से मारपीट करी। मुकदमा दर्ज कराने पर आरोपी ने लड़के रखे हैं जो आते जाते उनका पीछा करते हैं। उन्होंने जान का खतरा जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। कार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, एक की मौत, चार घायल। सिबीगंज निवासी सलीम, फिरोज, जैतून और इस्लाम के साथ अपनी मां मखलूम को ई रिक्शा से आंखों का इलाज कराने के लिए भगत सिंह अस्पताल ले जा रहे थे। त्रिशूल चौराहे के पास उनकी ई रिक्शा में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मखलूम की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। ट्रक ने खराब खड़ी डीसीएम में पीछे से मारी टक्कर, चालक की मौत। संजय नगर निवासी 30 वर्षीय शिव कुमार शुक्रवार रात डीसीएम लेकर दिल्ली जा रहे थे। ट्यूलिया गांव के पास उनकी डीसीएम गाड़ी खराब हो गई। वे डीसीएम के नीचे लेटकर गाड़ी ठीक कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे शिव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।